हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसे फेस वॉश का कि वो फेस वॉश तो हो, साथ ही साथ फेस वॉश से आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल फेशियल जैसा निखार आए सिर्फ फेस वॉश करने से। तो क्या आपको ये यकीन है कि ऐसा हो सकता है? तो मेरे पास आज है ये गुड वाइब्स का पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो ये जो फेस वॉश है ये पूरी तरीके से ये पपाया से बना हुआ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पपाया फेशियल जो होता है, फ्रूट फेशियल, वो आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, वो आपकी स्किन पे कितना अच्छा ग्लो करता है। अब अगर आप फ्रूट फेशियल ना करा के सिर्फ पपाया से फेशियल करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो ग्लो आता है ना, बिल्कुल गोल्डन ग्लो आता है। इस तरीके से ग्लो आता है जैसे कि आपने कोई फ्रूट फेशियल कराया हुआ हो। तो ये फेस वॉश बिल्कुल वैसा ही है। ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद ऐसा ही निखार आने वाला है जैसा आप फ्रूट फेशियल कराने के बाद अपने चेहरे पर देखते हैं। तो ये जो फेस वॉश है ये है गुड वाइब्स का पपाया। पूरी तरीके से नेचुरल है, पूरी तरीके से पपाया से ही बनाया गया है ये फेस वॉश। इसमें किसी तरह का कोई पैराबिन नहीं है, नो पैराबिन्स, नो मिनरल ऑयल्स, मतलब ये पूरी तरीके से नेचुरल है। प्राइस इसकी है 215, यानी कि 215 रुपये का ये बॉटल है। लेकिन ये 215 रुपये जो इसमें मेंशन किया गया है ये उतने का नहीं मिलता है। अगर आप इसे पर्पल से बाय करते हैं तो इसके साथ आपको मिलती है, आपको कुछ फ्री गिफ्ट भी मिलते हैं, साथ ही साथ पर्पल पे ऑफर चल रहे होते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ये पर्पल से मिल जाएगा। और इसकी सेल्फ लाइफ है 224, यानी कि 2024 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फेस वॉश है ये पपाया से बना हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये आपकी स्किन को एक हेल्दी ग्लो देता है, आपके चेहरे से डर्ट को बाहर निकाल देता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, साथ ही साथ ये आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है स्किन से। और चेहरे पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, यानी कि चेहरे पर किसी तरीके का दाग धब्बा है, तो वो भी रिमूव हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप फेशियल कराते हो तो फेशियल से दाग धब्बे रिमूव होते हैं, आपके चेहरे की ऊपरी परत जो होती है, जो डेड स्किन होती है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो रिमूव होती है। तो वो सारी चीज़ें ये फेस वॉश करता है। और इसका जो टेक्सचर है, अब बात करूँ मैं इसके टेक्सचर की, तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपने पका हुआ पपाया, आप एक पका हुआ पपीता लीजिए और उसको आप मिक्स कर लीजिए, किसी फॉर्क की हेल्प से मिक्स कर लीजिए, तो वो बिल्कुल मिक्स करके कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। ये देखिए, ऐसा लगेगा कि आपने हाथ में पपाया ही लिया हुआ है। तो और इसकी जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो भी बिल्कुल पपाया जैसी ही है। थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ पपाया है। इसका पल्प ये देखिए हाथ में लगता भी है, जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो ये हाथ में लगता भी, ऐसा लगता है कि हमने हाथ में पपाया ही लिया हुआ है, ऐसा लगता है पपाया का पल्प ही इसमें भर के डाल दिया है। तो मतलब पूरी तरीके से, मैं आपको बोलूँ, पूरी तरीके से नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मैं पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसका रिव्यू आप सबसे शेयर किया है, एक हफ्ते पहले ही मैंने इसे मंगा लिया था। तो मुझे लगा कि पहले मैं इसे यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं शेयर करूँ आप सबसे रिव्यू। तो ये पूरी तरीके से ऑनेस्ट रिव्यू है, किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है। बहुत अच्छी खुशबू है, ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। और इस तरीके का ये पंप फॉर्म है, इस तरीके की ये बॉटल जो है इसकी प्लास्टिक की है, ये पंप फॉर्म में आता है। ईजी टू कैरी है, ट्रेवल फ्रेंडली है, कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। खासकर जिन लोगों को स्किन की एलर्जी वगैरह है या किसी फेस वॉश से एलर्जी हो जाती है, सनबर्न की प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपकी स्किन पे ईचिंग है, चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं स्किन पे, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल पूरी तरीके से नेचुरल है। हाँ, अगर आपको पपाया से एलर्जी है तो आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, और अगर आपको पपाया से एलर्जी नहीं है तो आप बेफिक्र होके यूज़ कर सकते हैं। इसका किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। और गुड वाइब्स जो है एक जाना माना ब्रांड है, आप सबको पता है,
तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपने चेहरे पर एक अलग सा निखार देखा है इसके यूज़ से। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए, आप भी इसे मंगा सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा था, हाँ ये बहुत ज़्यादा फॉर्मिंग नहीं है, एक जेल बेस है तो बहुत ज़्यादा फॉर्मिंग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें पपाया के पल्प, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पपाया का पल्प ही है, तो हाँ फॉर्म होता है चेहरे पर, फॉर्मिंग है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ इसका डेमो। तो इसको सबसे पहले जब भी आप यूज़ करें, फेस पे मेरे मेकअप है तो मैं आपको इसे हैंड्स पे करके दिखा रही हूँ, तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। ये देखिए इतनी ही क्वांटिटी मैंने ली है। हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है, ये देखिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें झाग होता नहीं है, फॉर्म होता नहीं है, फॉर्मिंग है ये, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छा है ये। तरीके का तो आपको क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपका काम हो जाएगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये यूज़ करके आपको दिखा दिया। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जब कभी आप इसे यूज़ करोगे ना, यूज़ करने के बाद मोस्टली क्या होता है कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करो, बाद में आपकी स्किन ना ड्राई ड्राई सी लगती है ज़्यादातर, बहुत सारे फेस वॉशेज में ऐसा होता है, मैं सबको नहीं बोलूँगी तो, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपकी स्किन ऑयली लगेगी और ना ही ड्राई लगेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो मुझे बहुत पसंद आया ये, तो मैं बोलूँगी कि आप आराम से इसे ले सकते हैं। और जिन लोगों को तलाश है फोमिंग फेस वॉश और इस तरीके के फेस वॉश की, कि वो पूरी तरह से नेचुरल हो या उनको किसी तरीके का केमिकल वगैरह से इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो वो आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा वीडियो, ये था मेरा रिव्यू। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ या फिर किसी DIY के साथ। बाय बाय।